देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए जानते हैं आज की हेडलाइन। गौतम गंभीर का बयान, दिल्ली के लिए लड़ने का दावा करने वाले 15 दिन के नेता से डर गए। अभद्र भाषा वाले पर्चे बंटवारे पर रो पड़ी आतिशी, कहा गौतम गंभीर इतना नीचे गिर सकते हैं, उम्मीद नहीं थी। पीएम मोदी बोले 2014 के बाद आजमगढ़ का नाम आतंकियों से नहीं जोड़ा जाता। प्रियंका का मोदी पर वार, बोली इनसे बड़ा कायर कमजोर पीएम मोदी कभी नहीं देखा। गडकरी की धमकी के बाद वर्ल्ड बैंक पहुंचा पाक, सिंधु जल समझौते पर की मांग। घर वालों के साथ जा रही थी लड़की आशिक ने सारे आम सड़क पर किया कत्ल। राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी सोचने लगे हैं कि वो हिंदुस्तान को चलाते हैं। राहुल गांधी बोले कर्ज नहीं लौटाने पर कोई भी किसान जेल में नहीं डाला जाएगा। 1984 दंगों पर वकील फुल्का के दावों से शीला दीक्षित का इनकार, राजीव गांधी ने नहीं दिया कोई आदेश। विवेक डोभाल मानहानि मामले में एक कांग्रेस नेता जयराम रमेश को मिली जमानत। अगले 2 दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात, फिर बढ़ा प्रदूषण, बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा। सुशांत बिहार कॉलोनी में पत्नी पर खौलता तेल डालकर पति हुआ मौके से फरार। दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने किया सेक्टर 16 महिला थाने स्थित एसीपी कार्यालय का घेराव। केजरीवाल को गाली देने पर बोले विधूरी, गलत नहीं कहा, गधे को गधा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पिता की तबीयत हुई खराब, मेदांता में भर्ती। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिंगापुर से आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों की अटकी सांसें। चुनाव प्रचार पर चढ़ा गेंदे और गुलाब का रंग, गाजीपुर मंडी में फूलों की बिक्री 20% बढ़ी। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा वाहनों से प्रेशर हॉर्न हटाने के लिए क्या किया। केंद्रीय मंत्री को ब्लैकमेल करने वाले ने पूछताछ में उगली अहम जानकारियां। ऑटो चालकों की मनमानी, बिना मीटर चलाए यात्रियों से वसूलते हैं ज्यादा किराए। दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।